दिल्ली का निर्मल आवास जिसे पुनर्व्यवस्थित किया है गगन गिल ने। यहाँ निर्मल वर्मा का अपना साहित्य तो सुरक्षित है ही, उनकी प्रिय पुस्तकों का भी एक विशेष खंड है। निर्मल जी ने भारतीय और विश्व साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तकों का बड़े जतन से संकलन और संरक्षण किया था। इनमें कई पुस्तकें तो दुर्लभ हैं। अब निर्मल आवास में एक अलौकिक सी शांति है, जिसमें कभी कभी स्मृतियों की आहटें सुनाई पड़ती हैं। गगन गिल इन्हें अधिक पहचान के साथ सुनती हैं, क्योंकि उन्हीं के पास इन संगीतमय आहटों को पूरी तरह सुनने के अवसर भी हैं और वजूहात भी। गगन गिल हिंदी की एक अप्रतिम कवयित्री और गद्यकार हैं। गगन यानी निर्मल वर्मा की न केवल जीवन संगिनी बल्कि अनेक वर्षों तक निर्मल वर्मा के एकांतिक और सृजनपूर्ण क्षणों की न सिर्फ गवाह बल्कि हिस्सेदार भी। निर्मल वर्मा के शब्द और अर्थ आज भी इस परिसर में मौजूद हैं। गगन और निर्मल के संयुक्त एहसासों से सृजित है और जीवंत है यह परिसर। निर्मल जी ने गगन से क्या पाया और गगन ने निर्मल जी से क्या जाना, इसके सीधे परोक्ष संकेत इस परिसर में यथावत हैं। गगन गिल हिंदी के एक महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, जो हिंदी जगत के अनावश्यक शोरगुल से मुक्त रहकर अपने रचना संसार में सक्रिय रहती आई हैं। आइए उनके बारे में कुछ और जानते हैं।
लद्दाख मात्र एक भौगोलिक यात्रा का या सिर्फ सांस्कृतिक यात्रा का या महज प्रकृति के अनन्य सौंदर्य का लेखा जोखा नहीं है। यह रचनाकार के चेतन और अवचेतन में सुरक्षित या लुप्त या खोज लिए गए या अभी भी अनुसंधानरत उन मानवीय अभिव्यक्तियों का कतरा कतरा इजहार है जो किसी सुनियमित लेखन या प्रार्थना की तरह नहीं है और न केवल किन्हीं दुखों की निर्व्याज अगवानी या कतई नई और करुण संवेदनाओं का अक्षर रूप, बल्कि रचनाकार की अपनी खोज की एक प्रक्रिया भी है और एक तरह की स्वीकारोक्ति भी। गगन ने अपनी आत्मा के बरक्स प्रकृति के मूल रंगों और उनके अक्षों को बहुत करीब से देखा और जाना है। यह पुस्तक एक असाध्य वीणा की तरह है जिसे लेखिका ने अपने हार्दिक ताप से साधा और सिद्ध किया। यह हिंदी में अनूठी कृति है। इस पुस्तक पर गगन गिल से बातचीत कर रहे हैं कवि समीक्षक पत्रकार और संपादक प्रयाग शुक्ला। गगन जी, आज की इच्छा मेरी ये है कि हम आपसे ये जानें कि ये